जीवन दायिनी मां नर्मदा की हत्या मात्र वोट बैंक के लिए की जा रही है। अवैध रेत खनन सहित अन्य कई गलत कार्यों को शासन का खुला समर्थन मिल रहा है। यह आरोप सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर ने लगाया है। नर्मदा नदी के नाम पर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कई यात्राएं निकाली जा रही है, साथ ही कई घोषणाएं भी की गई है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की यह जीवन दायिनी मां नर्मदा मौत के कगार पर धकेली जा रही है। इससे देश में भयानक संकट उभर रहा है। यह बात सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने मंगलवार को मीडिया के समक्ष कही। नर्मदा बचाओ का जो नारा हमने दिया, तब विस्थापितों की दुर्दशा होगी बिना पुनर्वास के, और साथ साथ नर्मदा घाटी के मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात की नर्मदा का भी विनाश होगा, ये हमें अंदाजा था। और इस बात को कई सारे कोर्ट्स ने ही नहीं तो विश्व बैंक ने भी समझा, और विश्व बैंक ने अपना पैसा इस बांध से रोक दिया 1993 में। अंतर्राष्ट्रीय कई सारे पुनर्विचार इस पर हुए और हरेक का निष्कर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समिति का यही आया कि नर्मदा घाटी का और नदी का भी विनाश इसमें संभावित है, जो कि दुनिया के सबसे पुरानी घाटी है, पुरानी नदी है, संस्कृति है, प्रकृति है। आज बिल्कुल वही चित्र सामने आया है। पिछले 2017 का हमारा संघर्ष डूब से बचने के लिए था, आज घाटी तड़प रही है, न केवल मध्य प्रदेश में गुजरात में भी, सूखे से, क्योंकि नर्मदा को मोड़ रहे हैं एक एक राज्य के सत्ताधीश, गुजरात के हो या मध्य प्रदेश के हो, और वो पूरी कंपनियों की तरफ मोड़ रहे हैं। पाटकर ने कहा कि 1300 किलोमीटर बहने वाली नर्मदा अब सूखी पड़ी है और आगे भी सूखती जा रही है। आपको और हमको भी अंदाज भी नहीं होगा कि कितने करोड़ लीटर पानी रोज का नर्मदा से उठाकर कंपनियों को दिया जा रहा है। कहीं जिला पंचायत, पंचायती राज के सरपंच पंचों को भी ये जानकारी नहीं दी जाती है और न विधानसभा में कभी चर्चा में आई है। लेकिन अब सेंचुरी का ही आप उदाहरण ले लीजिए, सेंचुरी मिल्स बंद होते हुए एक महीने में 1,25,00,000 लीटर पानी सेंचुरी को नर्मदा से जाता रहा है। मैडम आपकी हमेशा जो आंदोलन रहा है वो बांधों को लेकर रहा है, लेकिन बिल्कुल फिलहाल में जो नर्मदा की हालात है ये बांधों के कारण हो रही है, ये बांधों के खनन हो रहा है, बिल्कुल वो सब में आ रही हूँ ना। पानी नहीं रहेगा तो फिर बांध किस काम के रहेंगे, यही तो बात पर आई हूँ। तो ये जो कंपनियों की तरफ पानी उठाकर ले जाना कई सालों से चालू ही रहा, उससे आगे चलकर अब इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी नर्मदा लिंक योजनाएं जो बनी है उसका केवल 5 मुख्य लिंक्स का कुछ ब्यौरा आपको दे रहे हैं, जिसमें नर्मदा क्षिप्रा, नर्मदा मही, नर्मदा गंभीर, नर्मदा काली सिंध और नर्मदा पार्वती। केवल नर्मदा पार्वती इंदिरा सागर जलाशय से है, बाकी ये तमाम 5 लिंक्स और अन्य छोटी बड़ी लिंक्स नर्मदा सागर से, इंदिरा सागर से है, पर ये 5 लिंक्स ओंकारेश्वर अकेले जलाशय से। उन बांधों का पहले की योजना में ये लिंक परियोजना और मालवा के 70 शहरों को पानी देने की बात ही नहीं थी, आज ये अचानक बात कहां से आई? उन जलाशय और उन बांधों को जिसके तहत लाखों लाखों विस्थापित एक एक बांध से रहे, उनका त्याग लेने पर फिर पुनर्विचार किया जाना जरूरी था। मेधा पाटकर ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा और पौधारोपण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध रेत खनन को प्रोत्साहित किया है। इसके साथ ही और भी कई आरोप मेधा पाटकर ने शासन प्रशासन पर लगाए हैं।